भाग्यचंद्र और पू खोतियन तिल्हो की एक खूबसूरत धरती और इस धरती पर आने का आनंद कुछ और ही होता है। स्वतंत्रता संग्राम से हम सब वाकिफ हैं। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मोइरांग यहां से बहुत दूर नहीं है। इस पराक्रमी धरती के आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बेटियां भी हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे, मैं सचमुच में आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका यह उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया।